नमस्कार, विजय चौक में आपका स्वागत है। देखिए, वो लोग फिर आने लगे हैं। वो लोग आते जा रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं, गांधीनगर से आ रहे हैं, शिमला से आ रहे हैं, मंडी और कुल्लू से आ रहे हैं। यूँ तो उनके आने में कुछ नया नहीं है, वो हमेशा आते हैं। जब भी मुझसे काम होता है तो वे आते हैं। गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने से पहले टिकट के लिए भी वे आए थे। अब नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, सीएम बनने के लिए आएंगे। हाँ, हमेशा ही काम के वक्त आते हैं, कोई बात नहीं, हैरानी नहीं होती। अब नेहरू के ज़माने से, फिर इंदिरा गांधी के वक्त भी, फिर वाजपेयी के वक्त, और अब भी आते जाते हैं। राजनेताओं की खासियत ही यह है कि वो सिर्फ वक्त और ज़रूरत से रिश्तों की पहचान करते हैं, इसलिए वो वक्त बेवक्त मुझे याद करते हैं। असल बात यह है कि मैं उनका भविष्य देखता ही नहीं, तय भी करता हूं। मैं हूं विजय त्रिवेदी। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजों का इंतजार सबसे मुश्किल काम होता है। और यह इंतजार सिर्फ उन लोगों को ही नहीं है जो चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में प्रचार कर रहे थे, अपने अपने खेमों की कप्तानी संभाले हुए थे। इंतज़ार उन्हें भी है जिन्होंने वोट दिया, बल्कि हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में भरोसा है। दोनों राज्यों में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, ये जानने के लिए हमने पहले ओपिनियन पोल से जनता का मन समझने की कोशिश की, रिपोर्टर्स ने समझाया, और फिर एग्जिट पोल के नतीजों के करीब पहुँचने की कोशिश की। लेकिन दिमाग अब भी पूरी तरह से समझने को तैयार नहीं, इसलिए एक कोशिश और नतीजों के करीब पहुंचने की, एक और विधा के माध्यम से। वैसे तो ज्योतिष में कहा गया है कि राजतंत्र के बारे में फलादेश नहीं करना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि संभावनाओं को तो तलाशा ही जा सकता है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक संगठन कांग्रेस में भी एक बड़ा बदलाव हो गया है। सोनिया गांधी के 19 साल अध्यक्ष रहने के बाद राहुल गांधी अब औपचारिक तौर पर कप्तान हो गए हैं। तो इस नए बदलाव का मतलब भी हम अपने विद्वान मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसके लिए है राजयोग। हमारे साथ हैं आचार्य विनोद भारद्वाज, जो कि धर्माचार्य हैं, जयराम भारती साहब, जो कि महामंडलेश्वर हैं, डॉक्टर सुशील बलूनी साहब, जो कि वास्तु कंसल्टेंट और अंकशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और मल्लिका हांडा जी, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, डॉक्टर अजय भांबी, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि क्या है आज का मुद्दा। सियासत का खेल, सितारों का मेल, ग्रहों की चाल, कुंडली का हाल, दशा किसकी बिगड़ेगी, सत्ता किसको मिलेगी, किस्मत किसकी संवरेगी, एग्जिट पोल के नतीजे देख लिए, अब है 18 दिसंबर का इंतजार। देश के नामचीन एस्ट्रोलॉजर्स बताएंगे किसका होगा सियासत में बेड़ा पार, किसको मिलेगा राजयोग। आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक शक्ति है, वो है कांग्रेस पार्टी का प्यारा कार्यकर्ता और नेता। वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं, वो आग लगाते हैं हम बुझाते हैं, वो गुस्सा करते हैं हम प्यार करते हैं, ये फर्क है हम में और उनमें। भारतीय जनता पार्टी हारेगी अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी तो मैं खुलकर वोटो 82 से ज्यादा नहीं मिलेगी। राम राम। लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, सेफोलॉजी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है गुजरात में, हिमाचल में, कुछ लोग कह रहे हैं मुश्किल हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। इन सब सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे हमारे विद्वान पैनल के साथ, और महामंडलेश्वर जी हमारे साथ हैं, जिनकी शरण में बहुत सारे राजनेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं आज मल्लिका हांडा जी से, जो बिल्कुल नई हमारी जो टेक्निक है टैरो कार्ड की, उस पर। मल्लिका जी, क्या कहते हैं कार्ड? बोल रही
जी अगर हम कांग्रेस की बात करें जी, तो कांग्रेस के हालात हमें पहले से ही पता है कि राहुल गांधी जी कैसे सोनिया जी के साथ साथ ही रहते हैं जी, हर समय जी। इस बार भी वही स्टोरी है, कुछ नया नहीं है। सोनिया गांधी आगे हैं, राहुल जी पीछे हैं। रही बात, तो राहुल जी अध्यक्ष बन गए हैं आज जी, बिल्कुल, लेकिन अभी भी उन्हें काफी सपोर्ट की जरूरत है अपनी टीम के साथ जी। और अध्यक्ष जरूर बने हैं, वो कप्तान जरूर है, लेकिन कप्तान अपनी टीम के बिना अधूरा है। आज भी वही स्टोरी है, परंतु हाँ ये जरूर है कि ये सपोर्ट उन्हें कहीं ना कहीं आगे जरूर ले जाएगा और उन्हें कैप्टनशिप के करीब कह सकते हैं, जा सकते हैं वो। रही बात बीजेपी की अगर हम करें तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, उनको सपोर्ट अच्छी है और प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी दिख रही है फिलहाल इनका आज की प्रेडिक्शन में। मल्लिका जी आपके कार्ड तो बड़ी जल्दी जल्दी बताते हैं, कभी मेरा भी कार्ड निकाल के बताइएगा जी जरूर। लेकिन ये टेक्निक मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग रही है, थोड़ा सा घबराहट भी मुझे देती है, कैसे होता है ये खेल जी? ये कोई खेल नहीं है actually. खेल मतलब कि जो भी टेक्निक को आप इस्तेमाल कर रहे हैं जी जी बिल्कुल, मैं जरूर तो इसको खेल समझता हूं। जी जरूर मैं इसे इंट्रोड्यूस करूंगी। काफी लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ खाली पत्ते हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती है या नंबर्स होते हैं या न्यूमरोलॉजी यूज करके लोग इन्हें प्रिडिक्ट कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी एक अपना ही अलग साइंस है, टैरो मैं कहती हूँ कि इंट्यूशन बेस्ड है। ये करते तो आजकल बहुत लोग हैं, लेकिन ये कह लीजिए कुछ गिफ्ट है, ऊपर वाले की दया है, कुछ आपकी अपनी थ्योरीज हैं जो इसके थ्रू आपकी प्रिडिक्शंस प्रिडिक्ट कर देती हैं जी। डॉक्टर बलूनी आप भी एक विधा पर काम खास तौर से कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी को लेकर, न्यूमरोलॉजी काफ़ी आजकल चर्चा में रहती है, तो ये जो अंक गणित है वो किसके साथ चल रही है? मल्लिका जी जो कह रही हैं आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ जी। सबसे पहले जिसे अंक ज्योतिष जी। तो ज्योतिष जो है वेदों का चक्षु है, चक्षु अर्थात जो हमारा देखने का काम करता है जी। इस गणित के माध्यम से आगे क्या होने वाला है, क्या होने की संभावना है, हम अंकों के माध्यम से इसको खोजने की कोशिश करते हैं जी। अगर इन चुनावों में मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है ये बहुमत में आने की इनकी पूरी पूरी संभावना है। मुझे लगता है लगभग 95 से 115 सीट के आसपास में ये बीजेपी की हम लोगों की आती हैं, भारतीय जनता पार्टी की आती हैं, और 65 से 70 सीटों के आसपास में यहाँ कांग्रेस के आने की संभावना है जी। तो हिमाचल में, हिमाचल का भी कुछ, हिमाचल के अंदर भी है, हिमाचल के अंदर मैं संख्याओं के आधार पर नहीं कहना कह सकता, लेकिन निश्चित मान करके चलिए कि वहां पर भी बीजेपी की सरकार बहुमत से, और ये जरूर कहूंगा कि हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है ये आपकी गुजरात से भी ज्यादा अच्छी सशक्त रहने वाली है हिमाचल में जी। जी हमारे साथ डॉक्टर अजय भांबी साहब भी जुड़े हुए हैं। अजय भांबी साहब जो है बहुत प्रेडिक्शंस करते हैं, खासतौर से राजनीति को लेकर, राजनेताओं को लेकर। डॉक्टर भांबी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रिडिक्शंस हैं हमारे यहाँ पर? तो सब लोग शायद मिलकर आए हैं एक साथ, गुजरात में और हिमाचल में दोनों जगह बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? इस समय क्या है कि जो मोदी जी की कुंडली है वो बहुत ही अच्छी है, वहाँ पर उनकी कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वहाँ पर चंद्रमा की महादशा है जी। और ये चंद्रमा की महादशा उनको 2011 से चल रही है, जो चलने वाली है 2021 तक, 10 वर्षीय दशा है। चंद्रमा यहाँ पर यूँ तो नीच का है, लेकिन उसका नीच भंग राजयोग हो रखा है, इस कारण से उनका प्रबल राजयोग चल रहा है, तो उस राजयोग के चलते जो भी हो रहा है 2011 के बाद उनके पक्ष में जा रहा है जी। तो चाहे उससे पहले उनको अध्यक्ष बनना हो या इस देश का प्रधानमंत्री बनना हो या इसके बाद जो चुनाव हुए हों, तो वो पैटर्न अभी चल रहा है, क्योंकि राजयोग इतना प्रबल है, तो इस समय उनको हटाना मेरे को लगता नहीं किसी और के बस की बात है, इसलिए गुजरात में उनका आना लगभग तय क्या सुरक्षित है ऐसा बोलना चाहिए। अच्छा दोनों के लिए, लेकिन मुझे बताया गया कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों के लिए ही शनि की 7.5 चल रही है, मैं ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में, क्या ये बात ठीक है? आपने बिल्कुल ठीक बोला, अगर आपकी राशि एक है, जिन लोगों की भी राशि वृश्चिक है उनकी 7.5 ही चल रही है जी। और उसमें से दो व्यक्ति ऐसे, एक प्रधानमंत्री है और एक प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वृश्चिक राशि तय नहीं करती कि आपका 7.5 ही, ना ही शनि तय करता है। दरअसल जो जिसकी हम बात करते हैं 7.5 की, इसका संबंध होता है गोचर से या ट्रांजिट से। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग है और उस समय आपको 7.5 ही चलती है,
तो फिर उसका उसका जो असर है बहुत कम होगा। मोदी जी को मुश्किलें तो आती रहती हैं, पीएम होने के बाद हमेशा से आ रही हैं, डिमोनेटाइजेशन के बाद आई, उसके बाद आई, लेकिन वैसी मुश्किलें नहीं आ रही क्योंकि कुंडली में राजयोग है। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, उनकी कुंडली में राजयोग तैयार हो रहा है, खड़ा हो रहा है, मतलब खड़ा हो रहा है मतलब बन रहा है। तो मेरे को लगता है 2019 से उनकी कुंडली में बड़ा प्रबल राजयोग होगा, क्योंकि उनका जो लग्न है वो है तुला, वहाँ पर उनको राहु की महादशा शुरू होगी। और ये मंगल की दशा उत्तरार्ध पर है, उतरती हुई है, और इस समय मंगल की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है, शुक्र उनका लग्नेश है और मंगल बैठा है नवम में, तो यहाँ से उनका जो है उत्थान होता है और 2019 में वो मोदी जी को बड़ा भारी अपोजिशन भी देंगे, दे सकते हैं। आचार्य जी, आपके पास आता हूँ, आचार्य विनोद भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, पढ़ रहा था कि भगवान राम जिनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका 14 साल का वनवास था, वो वनवास खत्म हुआ तब वो अयोध्या लौटे। महाभारत काल में पांडवों का 13 साल का वनवास था, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, उसके बाद उन्हें सत्ता फिर से मिली। राहुल गांधी 2014 में सांसद बने थे, जी पॉलिटिकल पार्टीज में एक्टिव हुए थे, 13 साल पूरे हो गए हैं जी। तो राहुल गांधी का संन्यास, जो राजनीतिक संन्यास है, वो कब खत्म होने की संभावना आप देखते हैं? आज उनको अध्यक्ष तो बना दिया गया है पार्टी का, लेकिन देश की सत्ता संभालने का जो राजयोग है वो क्या दिखाई देता है आपको? 13 साल आज पूरे हो गए हैं, तो यदि महाभारत काल का जिक्र करूं तो, और 14 साल अगले साल पूरे हो जाएंगे 2019 के चुनाव से। हाँ, लेकिन ये स्थिति इनके ऊपर लागू होने की स्थिति में नहीं है जी। निश्चित तौर पे अगर हम राजनीति को ज्योतिष के माध्यम से देखें जी, तो राहुल गांधी की जन्म कुंडली में एक ग्रह ऐसा लगा है जी कि वो बिल्कुल उनके पीछे पड़ गया है जी। शनि नीच का है और वो राजकीय कार्य स्थान को देख रहा था, राज्य भाव को देख रहा है जी। अच्छा, दूसरा कारण है क्योंकि सूर्य जो है जी, अगर ज्योतिष शास्त्र को हम माने तो सूर्य सौर्य मतेंद्र उच्च पदविम, उच्च पदवी को देने वाला भगवान भास्कर सूर्य है। और राजनीतिक स्थितियों में अगर किसी का देखा जाए तो सूर्य बढ़िया होना चाहिए जी। तो सूर्य इनका आकर के खष्टम में मंगल के साथ आ गया है, जिस कारण इनकी स्थिति अभी राजनैतिक स्थिति है ही नहीं। और दूसरा यह है कि ये इनका जो है बाणी स्थान का स्वामी शनि नीच का है, बाणी स्थान स्वामी शनि नीच का, तो अनजाने में इनके मुख से ऐसे शब्द निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति बन रही है कि जो इनके लिए भी भारी है और इनकी पार्टी के लिए भी भारी है। एक चीज और आप समझिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी को राजनीति में लाने का फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है, उसका मात्र कारण है कि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र आकर के सप्तम। ये जो जन्मतिथि हम देख रहे हैं 19 जून 1970 राहुल गांधी, इसका भी कोई असर इसमें दिखाई दे रहा है? 18 जून 1970 21:52 नई दिल्ली जी, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है जी। और इनके 19 जून बता रहे हैं हमारे को, हाँ 19 जून जी। तो ये इनका जो है जन्म की स्थिति है जी। इसके अलावा निश्चित रूप से मंगल जो है तृतीय मंगल खष्टम भाव में होने से इनको दिक्कत होने वाली है। मतलब एक छोटी सी बात मुझे समझ में आ रही है कि शनि जो देव हैं आपके जी, वो हमेशा ही जो सोसाइटी की तरह से कमजोर आदमी पर असर डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जो बने हुए उन पर उनका असर नहीं दिख रहा, जो प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं उन पर उनका असर दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मतलब शनि पावरफुल के साथ चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। जो इनके भी साथ था जी, लेकिन इनका जन्म कुछ ऐसे योग के अंतर्गत हो गया। अभी मैं आपसे, अभी मेरी पूरी बात नहीं हो पाई जी, क्योंकि मैं इस आपके आपके यहाँ आकर खुल करके कह सकता हूँ कि राहुल गांधी की शुक्र की महादशा और सप्तम भाव में आने के कारण अगर इनका प्रेम संबंध है, निश्चित रूप से इनको शादी कर लेनी चाहिए। शादी भी इनके जीवन में अवरोध कर रही है, और मतलब शादी से कुछ बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूँ। कब हो रही है शादी, वो तो बता। शादी इनका प्रेम संबंध है, इनका प्रेम संबंध है, और इसके कारण इनका शनि और खराब हो गया जी। और खराब होने के कारण इस पर, शादी पर अपन चर्चा करेंगे, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। महामंडलेश्वर जयराम भारती साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। महामंडलेश्वर जी, सब लोग ग्रह दशा और सब बता रहे हैं, असल बात यह कि सब लोग शरण में आपके ही आते हैं,
है ना। और वो बलूनी जी जितना बताएंगे कि आपकी दशा खराब है, आचार्य जी बताएंगे, भामी साहब बताएंगे, मल्लिका बताएंगी, तो उतने ज़्यादा लोग आपके चरणारविंद होते हैं। आपका आशीर्वाद जो है ये शनि दशा को, शुक्र की दशा को, जो जो बता रहे, मैं तो इतना समझता नहीं इस बात को, वो संकट को टालता है? हाँ बिल्कुल टालता है, इसमें दो राय नहीं है। परम सत्य है कि ज्योतिष जो है हमको मार्गदर्शन देता है जी, लेकिन साथ साथ ज्योतिष अनेक प्रकार के उपाय बताता है जी। क्योंकि कोई आदमी कुछ कहता है, उसके सामने आप शरणागत हो जाए तो कोई दूसरी बात हो जाएगी, उसके सामने आप उग्र हो जाए कोई दूसरी बात हो जाएगी। तो ये तो प्राकृतिक रूप से हमारी शैलियों में ही आता है। सभी जो भी हमारे साथ ज्योतिषी हैं उनकी सब बात मैंने सुनी, ये ग्रह अपनी जगह पर हैं, लेकिन साथ साथ गीता कहती कर्म अपि बोद्धव्यम जी, अकर्म अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा है, कर्मणा नाम गहना गति। कर्म की इतनी गहन गति है कि हम आजीवन नहीं कई कई जन्मों तक हम संशोधन करते रहते हैं जी, और हम समझ नहीं पाते हैं जी। जो समझ जाए वो बुद्धिशाली माना जाता है, रह जाए तो कमजोर माना जाता है। अब वो क्या अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे होंगे? राहुल गांधी इतने साल से लगे हुए जी, लेकिन नहीं उनको साथ प्राप्त हो रहा है जी। और नरेंद्र मोदी जी जो है पहले हिमालय में वास किए, साधु संतों से भी उनका वास्ता रहा जी, और प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हो गया है जी। तो अब ये बहुत लंबे तक ऐसे ही चलेगा, परिवर्तन अब नहीं होगा इसमें, नहीं होगा। डॉक्टर भाभी, सब विद्वानों के साथ बैठा हूँ और सब एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में, सब अपनी अपनी विधाओं में जो है, ज्योतिष में, वास्तुशास्त्र में विद्वान लोग हैं। तो हम जी रहे हैं हिंदुस्तान में लोकतंत्र में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। साल में 5-6 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो फिर राहुल गांधी जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, विजय रूपानी साहब को, वीरभद्र सिंह जी को, तो ये समझना चाहिए कि वो जनता के पास जाएं नहीं, डॉक्टर भांबी के पास जाएं, महामंडलेश्वर जी के पास जाएं, बलूनी साहब के पास जाएं, मल्लिका जी के पास जाएं, आचार्य जी के पास जाएं, ये सब झंझट ख़त्म करें फिर तो। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपना कर्म तो अपने करना पड़ेगा ना जी। जो भी आप जिस भी कर्म के लिए आप निमित्त हैं, जो भी कार्य के लिए आप आए हैं, तो कर्म तो प्रधान है ना हर जीवन में। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो वहाँ भी कर्म प्रधान है ना। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, वो कहते नहीं है कि सुसप्त संघर्ष प्रवेश्यन्ति न मृगा, अगर सोते हुए शेर के मुंह में तो मृग भी प्रवेश नहीं करता ना। तो अपना कर्म तो हर किसी को करना है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, इनकी जो कुंडलियाँ हैं ना, ये भी गलत होती हैं, क्योंकि किसी के पास करेक्ट ना समय नहीं होता। तो ये जो अभी भाई साहब बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, वो दूसरी कुंडली से बात कर रहे थे, उस कुंडली से परिणाम वैसा है। लेकिन जिस कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को ऑथेंटिक मालूम पड़ती है वो, क्योंकि सोर्स से थी। तो इनका लग्न तुला है, ना कि दूसरा वाला। तो तुला लग्न में स्थितियाँ बदल जाती हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि राहुल गांधी का अभी जो बने हुए हैं, हालांकि गुजरात में इनकी सरकार नहीं बन रही, ना ही इनकी सरकार इधर क्या नाम है, हिमाचल में बन रही है, लेकिन दोनों जगह इनकी सरकार नहीं बन रही, बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन राहुल गांधी का भी उत्थान हो रहा है, जो शनि शनि होगा, एकदम जैसे नहीं होगा जी, दोनों जगह। लेकिन कांग्रेस मजबूत हो रही है, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि पहले सरकार तो बीजेपी की आ रही है, जो प्रधानमंत्री का अक्षुण राजयोग बना हुआ है, वो कट नहीं रहा, वो टूट नहीं रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन राहुल गांधी का भी वर्चस्व बढ़ेगा आने वाले दिनों में, और 2018 में उनका वर्चस्व निश्चित तौर पर बढ़ेगा, ये हम सब देखेंगे। नहीं तो वही मैं जानना चाह रहा था, जो आचार्य जी से भी पूछा कि महाभारत और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब मैंने जिक्र किया, 14 साल का वनवास और 13 साल का वनवास, तो राहुल गांधी का वनवास जो है, राजनीतिक वनवास, 2018-19 में खत्म हो जाएगा, आप कह रहे हैं? आप तो सर हमको त्रेता और द्वापर में ले गए, हम अभी कलयुग में हैं, यहाँ स्थितियाँ अलग हैं, वहाँ जो ग्रह काम करते हैं उनका फल अलग होता है, यहाँ जो ग्रह काम करते हैं उनका फल अलग होता है। लेकिन इस तरह से अगर हम ना देखें, और अगर हम एक चुनौती के रूप में देखें, डेमोक्रेटिक वैल्यू के हिसाब से देखें, तो हमको लगता है कि मोदी जी को, राहुल गांधी और कांग्रेस आने वाले समय बीजेपी को अच्छी खासी चुनौती देंगे, जिसकी काफ़ी लंबे समय से कमी थी, ऐसा हमको लगता है जी। डॉक्टर बलूनी जी, आप सहमत हैं डॉक्टर भांबी से? जी काफ़ी हद तक सहमत हूँ। थोड़ा सा जो अंक ज्योतिष की हमारी गणनाएं होती हैं, ये थोड़ा इससे भिन्न इसमें रहती हैं, जिसमें पूरी तरीके से जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है, उसके साथ साथ में उनका नाम है, उनका आभा प्रभा मंडल है और शरीर लक्षण है, इनके आधार पर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए मोदी साहब की अगर हम बातचीत करें, तो इसमें अगर अंक ज्योतिष के आधार पर आप देखोगे,
तो ये कोई बहुत बढ़िया या सशक्त तरीके की डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं दिखाई देगी। बड़ी विचित्र सी बात है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा योग है। मूल अंक इसके अंदर शनि का बनता है और वो बन रहा है सूर्य और केतु के माध्यम से, और पूर्ण अंक इसके अंदर बन रहा है बुध का। तो जब जब भी शनि और बुध की युक्ति एक दूसरे के साथ में मिलती है, वो बुद्धि व्यक्ति को वाक चातुर्य देता है, बोलने की कला में पारंगत करता है। और आप अगर देखेंगे तो मोदी जी के पास में सबसे बड़ी, बाकी कलाएं उनकी जो हैं, लेकिन जी वाक चातुर्य उनका ये सबसे अधिक है। उन्होंने देखा, आपने सिलेक्शन में देखा होगा, अलग 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 जगह पे, कहीं पे उनका पाकिस्तान आ जाता है, कहीं पे उनकी कोई और चीज आ जाती है, कहीं कोई और चीज आती है, समय देश काल परिस्थिति कंडीशंस के हिसाब से वो बहुत अच्छा शार्प टर्न लेते हैं और यही उनको सफलता दिलाता है। इसमें दो चीजें हैं, इलेक्शन तो निश्चित तौर पे ये भी जीतेंगे और इसके साथ साथ में जो 2019 वाला है वो भी इलेक्शन ये जीतेंगे, लेकिन क्या मात्र वाक चातुर्य के आधार पर राष्ट्र प्रगति करेगा? क्या उसकी प्रगतिशीलता से संबंधित कार्यों को नरेंद्र मोदी करने में सक्षम होंगे? ये दो भिन्न प्रश्न है। राष्ट्र कितनी प्रगति करेगा इसमें, इनके नेतृत्व में, तो ये दोनों भिन्न प्रश्न है। ये निश्चित मानकर के चलिए कि चुनाव जीतने की कला में इसका जवाब भी आप दें। जी बिल्कुल देना चाहूंगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्र के जो चलने की स्थिति है या राष्ट्र जिस तरीके से औद्योगिक प्रगति करेगा या अन्य क्षेत्रों में प्रगति करेगा या जो हमारे पड़ोसी देश कूटनीतिक चाले हम लोगों के साथ में चल रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा सफल मोदी जी नहीं हो पाएंगे। वजह यह है कि अपने कुल समय में से 80% समय तो इनका राजनीति में चला जाता है, और उसके साथ ही साथ में दूसरी चीजें देखिए, मैक्सिमम जो इनकी टेक्निक है, मैक्सिमम जो सोच है, मैक्सिमम जो चीजें हैं, क्यों? क्योंकि शनि एक कर्म प्रधान अंक है, जो 8 का नंबर इनका बनता है, ये एक कर्म प्रधान नंबर है, सूर्य और केतु से मिलकर के बना है, तो बहुत ऊर्जावान है, लेकिन अक्सर एक ही जगह पर बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, इसलिए बाकी के सेक्टर से छूट जाते हैं। जी मल्लिका, आप कैसे एड ऑन करेंगी सब बातों को, जो जिस तरह का एक पूरा बन रहा है, डॉक्टर भांबी जो कह रहे हैं, बलूनी साहब भी कह रहे हैं, करीब करीब सहमत हैं, आचार्य जी भी उस बात से सहमत हैं। जी, अभी जैसे हमारे यहाँ पर जो इतने एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, उनकी बात से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जो मेरे कार्ड्स यहाँ कह रहे हैं, मोदी जी अब काफी हद तक प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, अब उनके ऑपोजिशन पार्टीज, लोग, इनफैक्ट पब्लिकली भी सबको पता है कि वो उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है। बट अगर हम राहुल जी और उनकी टीम की बात करें, उनके पूरी पार्टी की बात करें, तो वो अब जितना जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म लोगों से या ऑपोजिशन से उन्हें मिल चुका है, वो उतने ही और एम्बिशियस होते जा रहे हैं, और जो इंसान एम्बिशियस हो जाएगा उसकी स्ट्रैटेजीज उतनी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगी। तो ये तो मोदी जी के लिए भी कहा जा सकता है, यदि 2014 से पहले, 13 से पहले की बात करें, डॉक्टर भांबी भी इस बात से सहमत होंगे कि 2002 से, या बल्कि कहना चाहिए 98 के बाद से, वो तो अडवाणी जी उनके लिए कहते थे कि ही इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन इंडियन पॉलिटिक्स। डेफिनेटली। तो राहुल गांधी का नंबर तो अभी उनसे बहुत पीछे यदि क्रिटिसाइज के मुकाबले। अच्छा, एक चीज मुझे समझा दीजिए, ये कार्ड्स आपके इतने सारे हैं, ये कार्ड आपने कांग्रेस के अलग, बीजेपी के अलग तो नहीं कर रखे हैं? जी, मैंने इन सब के निकाले जैसे जैसे सब बोल रहे थे। जैसे कि अभी हमारे इतने एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि राहुल जी की शादी के बाद चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली मैंने साथ ही कार्ड निकाले कि क्या चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस तो आप बाद में बताना, मुझे ये बताइए कि शादी कब हो रही है उनकी। जी, अभी भारद्वाज कार्ड उठा के कुछ बता सकते हैं कि ये कार्ड जो है मुझे डिसाइड कर रहा है राहुल गांधी की शादी के लिए? अगर शादी की बात करें, उनका निजी मामला है, डेफिनेटली डेफिनेटली, बट समहाउ व्हाट आई कैन सी इज कि इनका जो ये निजी मामला है, ये इनको पॉलिटिकल गेन भी दिलाता है जी, क्योंकि ये जैसे ही मैरिज करते हैं जी, मैं उतनी एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं साफ कहूंगी, लेकिन मेरा टैरो मुझे ये बता रहा है कि अगर ये किसी की अच्छी बढ़िया कुंडली इनको मिलती है, कोई अच्छा पार्टनर मिलता है, तो इनको करियर में गेन बहुत हो रहा है, इनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो रही है। आचार्य जी कह रहे हैं प्रेम संबंध है जो मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं कुंडली, अब कुंडली थोड़ी ढूंढेंगी सोनिया जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रेम संबंधित चॉइसेस उनके पास काफी है। तो कुछ आप एडवाइस कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि कब होने वाली है शादी? देखिए, ये काफी हद तक उनका निजी मामला है, एज यू सेड, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपके हम कार्ड कुछ इंडिकेट कर रहे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो चाहें विद इन 2019 के एंड तक, अगर वो कुछ अपने पर्सनल लाइफ के लिए डिसाइड करेंगे, तो उनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको ग्रोथ मिल जाएगी। जी आचार्य जी, आप भी ऐसे ही समझ रहे हैं कि 2019 में शादी हो जाएगी? हाँ, मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ 25/9/2018 ये राहुल, हाँ राहुल जी के लिए
एक ऐसा समय आएगा जहां से थोड़ा सा उनको पराक्रम हासिल होगा जी। फिलहाल शादी के लिए तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि इनकी जो कुंडली मेरे पास है, बांबी जी ने जो कहा, लेकिन मेरे पास जो कुंडली उपलब्ध है उस कुंडली के अनुसार इनका इनका प्रेम संबंध निश्चित तौर पे है और उसके कारण इनको इनको दोष भी हो रहा है जी, दोष भी हो रहा है, पितृदोष भी है, पितृदोष भी है। अच्छा, यहीं पे नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली देखिए तो नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में रुचक, नीच भंग योग, ये सारे योग बहुत अच्छे हैं जी। और दूसरा यह है कि शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा जी इस समय चल रही है, तो जो है शनि के साथ चंद्रमा आता है तो निश्चित थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, मानसिक परेशानियां आती हैं। मानसिक परेशानियां इन स्थितियों में आएंगी क्योंकि तमाम ऐसी बातें होंगी, तमाम ऐसे स्थितियां आएंगी, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि क्योंकि नीच भंग राजयोग है, नीच भंग राजयोग के कारण वो तमाम परेशानियों को झेल करके फिर वो सरकार बनाएंगे। और रह गई बात गुजरात की, तो मैं कह रहा हूं आधे से अधिक ग्रह हमारे अनुसार, प्रश्न लग्न के अनुसार जो नरेंद्र मोदी साहब के पास में है, मैं प्रश्न करता प्रश्न करके मैंने देखा है जी, 120 सीटें गुजरात में इनको मिलने वाली हैं, 5-7% ऊपर नीचे हो सकती हैं, बिल्कुल 5-7% ऊपर नीचे हो सकती हैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार, क्योंकि अधिक अधिक संख्या में नरेंद्र मोदी की ओर जो इशारा हो रहा है जी। दूसरा जो है 44 सीटें कांग्रेस को जो नहीं जो 44 हिमाचल में जी, वहां भी 5-7% ऊपर नीचे हो सकता है जी, क्योंकि अधिक स्थिति आप देख ले दोनों कुंडली को अगर आप जो मिलाएंगे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तो कहीं भी राहुल गांधी उनके आसपास नहीं दिख रहे हैं जी, नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के, तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन अभी जो गुजरात के चुनाव में कुछ नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा अंतरसा होने के कारण, लेकिन आप 120 सीट दे रहे हैं तो ठीक है ना, 120 सीट तो पहले 112 सीट हैं, 115 सीट हैं उनके पास, 120 आ रही हैं तो ठीक ही है जी। माँ मंडलेश्वर जी, अभी दोनों लोगों ने कहा, आचार्य जी ने भी कहा, मल्लिका ने भी कहा कि राहुल गांधी की शादी अगर हो जाए तो कुछ बदल सकता है। हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है कि बहू को, पत्नी को लक्ष्मी के तौर पर देखा जाता है, ये तो परम सत्य है हाँ, लेकिन उसके लिए आशीर्वाद आपका तो लेना पड़ता है क्योंकि दुविधा बना रखी है उन्होंने कि अभी होगी कि नहीं। ये जो संसार है ऋणानुबंध है जी, जो मुलाकात होती है वो प्राकृतिक रूप से पहले से तय होता है, उससे ये मिलेगा, उससे ये मिलेगा, उससे ये मिलेगा, क्योंकि आप लोग तो ज्योतिषी हैं, ज्योतिष को आधार बनाते हैं, लेकिन मेरा भाव ये है कहने का जी कि जब उनको मिलना होगा तो निश्चित मिलेंगे जी, उसके लिए वो प्रयास करते रहें जी। अब जब प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, वो प्रयास नहीं आपका करेंगे। आशीर्वाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरा बिल्कुल आशीर्वाद है, दोनों को ही आशीर्वाद है जी, नरेंद्र मोदी को भी आशीर्वाद है और राहुल गांधी को भी आशीर्वाद है। लेकिन स्थिति ये है जी कि वो अपना प्रयास नहीं सही से कर पा रहे राहुल गांधी, इसलिए फेल हो जाते हैं, और नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं, उसमें से चलते जा रहे हैं, इसलिए उनको सफलता प्राप्त होती है। चलिए इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, बहुत ही विद्वान हमारा पैनल है और उनसे तो बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे मिल रहा है, हालांकि मुझे थोड़ा कम समझ में आता है इतनी सब कॉम्प्लिकेटेड बातें, ये समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स और जो सब कुछ है उसमें कर्म जो है वो सबसे प्रधान है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे नहीं पता कि ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है या इस जन्म के कर्मों का फल, कि सब विद्वानों का जो साथ जो है वो मुझे मिल रहा है। डॉक्टर भांबी, जनरल बात हम लोग कर रहे थे चुनाव की, आपने बनवा दी सरकार गुजरात में और हिमाचल में, तो मुख्यमंत्री भी तो बताइए मुझे, गुजरात में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या विजय रूपानी रहेंगे? मेरे को लगता है विजय रूपानी बनेंगे वहाँ पर मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, वहाँ तो नाम उन्होंने उदय कर ही दिया है जी, नाम पहले ही नाम बोल दिया है, तो यहाँ पर कोई उलझन नहीं है, कोई जी उलझन नहीं है। एक चीज़ और जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि ये पूरे चुनाव, खासतौर से 2014 से 2019 तक, मैं जब पहले बात करता था सब विद्वानों से
तो लोग कहते थे, आज भी बात हो रही थी कि राजनीति जो है धर्म आधारित होनी चाहिए। राजनीति पहले एक ज़माना था, आप तो वाजपेयी जी के बहुत करीब ही रहे हैं, वाजपेयी जी को भी दिशा निर्देश और कुछ कुछ बताते रहे हैं, तब वाजपेयी जी कहते थे कि राजनीति को राजधर्म को पालन करना चाहिए, ठीक है। अब जो ज़माना आया है उसमें धर्म ऊपर हो गया है और धर्म की राजनीति हो रही है, क्या फ़ायदेमंद है ये? थोड़ा सा मेरे को लगता है जो वाजपेयी जी बोलते थे जी, वो ज़्यादा बात शाश्वत है जी, कि राज धर्म होना चाहिए, राज का एक अपना धर्म होना चाहिए जी, और उसे राज उसे धर्म से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके उसके धर्म के प्रति समर्पित भी होना चाहिए जी, मतलब धर्म से उसे खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका एक अपना धर्म होना चाहिए। जो वाजपेयी साहब बोलते थे वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक तो धर्म की राजनीति ना करें। हम देख रहे हैं, हम ना ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि जहाँ भी जाओ, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पर पूरा धर्म मुस्लिम हो गया जी, जो बाकी कंट्रीज है वहाँ पर हिंदू हो गया, तो ये एक डिवाइड जो हो रहा है जी, ये डिवाइड मेरे को लगता है बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, मेरे को व्यक्तिगत मेरी राय है कि बहुत अच्छा नहीं है, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि जो 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 राज है उसके लिए सारे बराबर होने चाहिए। लेकिन इसकी ताकत क्यों बढ़ रही है फिर? क्योंकि अगर हम राम राज्य की बात करें तो वहाँ पर जो भी थे, जितने भी धर्म थे, जितने भी क्लासेस थे, उन सबको बराबरी थी, तो बराबरी होना बहुत इम्पोर्टेंट जी। महामंडलेश्वर जी, आप तो चाहेंगे कि धर्म से जो है, धर्म दंड जो है वो राजनीति पर चले। मैं धर्म दंड की तो बात लेकिन जैसे कह रहे थे ज्योतिषी जी जी, कि मूल क्या है कि धर्म जी, धर्म क्या है जी, धर्म को पहले समझना बहुत जरूरी। धर्म के बगैर तो कुछ है ही नहीं संसार में जी। आपने वस्त्र धारण किया है तो ये भी एक धर्म हुआ नहीं, वो धर्म की जो विस्तृत परिभाषा है ना, उसको तो धर्म से धारण कुछ नहीं है। लेकिन जो आज राजनीति में जो धर्म का इस्तेमाल हो रहा है ये आपको ठीक लग रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है, हम तो प्रसन्न है इससे और चाहते हैं उत्तरोत्तर वृद्धि पाए। उसका प्रसन्नता तो आपकी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री कोई भी बैठे आपके शरण में आ जाता है, मुख्यमंत्री कोई बैठे आपकी शरण में आता है। हमारी शरण में आपकी प्रसन्नता का विषय तो ये है, हमारी शरण में तो सभी लोग आते हैं जी। लेकिन अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहने में क्या दोष है? ज्योतिषी जी कह रहे हैं कि भामी साहब कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है ना, राजधर्म ऐसी बात नहीं, धर्म से बगैर तो कोई संसार में कुछ है ही नहीं जी। धर्म तो सबसे ही, धर्म को जानना जरूरी है, धर्म है क्या जी? भाई आप जल पी रहे हो तो पानी पिया तो भी एक धर्म की स्थिति में आया, वस्त्र पहना वो भी धर्म की स्थिति में, धर्म है क्या चीज ये समझना है। धर्म से परे धर्म कोई समझ चीज नहीं है, ठीक है, वो तो बात ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं वो तो अच्छी परिभाषा है, आज राजनीति में वो वाली परिभाषा थोड़ी हो रही है, और आप वो समझाते भी नहीं उनको। सबसे बड़ी बात आप कहते हैं यहाँ से चलो वहाँ तक मंदिर पहुँचना, सोमनाथ के दर्शन करना, द्वारिका जाना, फिर वहाँ से पूजा करके निकलना, फिर पाठ करके निकलना, फिर दक्षिणा देकर निकलना, आप तो वो क्या है कि ये तो एक दिखावा रूप हो गया ना भाई, सभी लोग जाने जी, ये तो एक राजनीतिक हिस्सा हो गया। क्योंकि धर्म में यदि मंदिर में जा रहा आदमी लगे भाई भगवान का भक्त है जी, इसलिए उसकी आस्था बनेगी। जनता को लुभाना भी तो बहुत जरूरी है ना, यदि जनता को हम नहीं लुभाएंगे तो कैसे काम चलेगा जी। तो कुछ राजनीतिक लोगों को जनता को लुभाने के कार्य करने ही पड़ते, तभी तो आज राहुल गांधी घूम रहा था सारे मंदिरों में जी। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी इनकी बात में जी, आप जैसे कह रहे हैं पॉलिटिकल धर्म, जिसे मैं कहूंगी पॉलिटिकल धर्म, मेरे हिसाब से या टैरो के प्रिडिक्शन के हिसाब से वो है जो आज की डेट में लोगों को इमोशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर सेटिस्फैक्शन दे जी। आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल लीडर लोगों को ये एहसास दिलाए कि आप हमारे पास सेफ हो, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं, आपकी सर्विस के लिए हैं, आपकी सेवा के लिए हैं, आज की डेट में वही पॉलिटिकल धर्म है। ये मिसयूज ऑफ रिलीजन नहीं है आजकल कि एक धर्म पर के ऊपर डर का जो है ना मोहर लगा दें और फिर कहें बच के रहिए, हमारे पास आइए, आप सुरक्षित हैं जी। बिल्कुल, लेकिन अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक किसके पास जाएगी जी? ना तो वो डर के पास जाती है, ना वो लालच के पास जाती है। पब्लिक को चाहिए कि जब वो घर पे लौट के आए तो उन्हें सिक्योरिटी लगे, उन्हें अपनी कंट्री सेफ लगे। आज की डेट में जो मेरे लेकिन क्यों ऐसा लगे कि मल्लिका जी के पास जाएं तो सुरक्षित हैं, विजय त्रिवेदी के पास जाएं तो नहीं है जी, मेरा ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है। मैं सिर्फ जो हमारे आज की जो हमारी एक्चुअली ये सभा बैठी है, मैं सिर्फ उसी के बेसिस पे बोल रही हूँ जी, समझ गया। जो अपनी प्लानिंग और जो भी स्ट्रैटेजीज है उसको फुलफिल करेगा, आज की डेट में लोग उसी को धर्म मानेंगे और पब्लिक भी उसी धर्म से खुश है। अच्छा, जो भामी जी ने कहा आप उससे सहमत है, विजय रूपानी जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या कहते हैं आपके कार्ड जी? ये काफी हद तक पॉसिबिलिटी है, काफी हद तक पॉसिबिलिटी है। आचार्य जी, जी
क्या वजह है कि धर्म की राजनीति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जानने योग्य प्रश्न किया है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार अभी इस समय जो स्थितियां हैं मंगल और गुरु के आसपास चल रही हैं जी, बृहस्पति के आसपास चल रही है जी, जो भी भारतीय संस्कृति तथा समृद्धि के बारे में बात करेगा वही भारत पे राज करेगा जी। भारतीय समृद्धि, भारत की जो कला है, जो भी व्यक्ति संजो के रखेगा वही निश्चित तौर पे भारतीय राजनीति पे राज करेगा। अच्छा एक चीज और, आप भारतीय संस्कृति का मतलब हिंदू संस्कृति की नहीं, भारतीय संस्कृति कभी भी हिंदू संस्कृति नहीं रही, कैसे बात करते हैं जी। भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति रही है कि किसी भी व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को अपने यहां रक्षण करती थी। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भावयेत्। किसी भी व्यक्ति को अगर दुख हो तो भारतीय संस्कृति उसके दुख को समझती है। अच्छा दूसरी बात, मैं ये चीज जो कहना चाहता था जी, कि जैसे कि बात हो रही है राजनीति और धर्म जी, राजनीति केवल धर्म की रक्षण के लिए तथा हर व्यक्ति को स्वच्छंदता के लिए बनी जी, ऐसा नहीं कि राजनीति को बिल्कुल त्याग देना ही राजनीति है जी, नहीं जी, धर्म के लिए राजनीति है जी, केवल राजनीतिक दल का कोई धर्म नहीं है जी। भामी साहब, हमारा धर्म है हम अपने धर्म का रक्षण करें और राजनीति उसे हर प्रकार से उसको फलने फूलने। ठीक है, मैं बलूनी साहब के पास आऊंगा, लेकिन भामी साहब कुछ कहना चाहते हैं। भामी साहब जी, जब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब हम बात करते हैं वाजपेयी जी की, वाजपेयी जी बोलते हैं कि राष्ट्र का धर्म होना चाहिए जी, तो उनका धर्म संकीर्ण नहीं हो सकता जी। पहली बात तो ये, मैं वाजपेयी जी की बात को सेकंड कर रहा था कि राज का अपना धर्म होना चाहिए और जो वो धर्म है बड़ा व्यापक होना चाहिए, ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर बौद्धिज्म पनपता नहीं, यहाँ पर जैनिज्म पनपता नहीं, यहाँ पर सिखिज्म पनपता नहीं, क्योंकि हमने जो जो अच्छी चीजें थी हम सबसे ली हैं। तो हम उस तरह की भारतीयता की बात करते हैं, भारतीयता को हम बहुत संकोच से, बहुत इस तरह से बात नहीं करते, संकीर्णता नहीं है उसमें। सर अब तो धर्म की पहचान पूछते हैं आप, व्यापक पॉलिटिक्स में वैदिक बात कर रहा, मैं तो वैदिक परंपरा की बात कर रहा नहीं, मैं डॉक्टर भामी की बात नहीं कर रहा, लेकिन पॉलिटिकल जैनिज्म आता सर, पॉलिटिकल फील्ड में तो अब धर्म की पहचान पूछते हैं ना। ना वो अलग है, वो मेरी व्याख्या वो नहीं है, मेरी व्याख्या वहाँ वैदिक व्याख्या चलती है जी। कि अगर हमारी वैदिक व्याख्या वो थी तो वहाँ पर बौद्धिज्म चलता नहीं, हमने बुद्ध को भगवान माना, बुद्ध को हमने विष्णु का अवतार माना, क्यों माना, क्योंकि जबकि हमारी परंपरा में नहीं है इस तरह, क्योंकि हमको लगा कि इन्होंने जो बात बोली वो एकदम सत्य है और सत्य का एक साक्षात्कार सामान्य आदमी, ठीक, सत्य का साक्षात्कार और एक सामान्य आदमी प्रभु हो जाता है, भगवान हो जाता है और पूरी यहाँ जी बलूनी साहब पूरी दुनिया में पूछ रहे हैं जी। जी थोड़ा इतिहास में जाने की जरूरत है जी, वक्त कम है मेरे पास, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा इतिहास में जाने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर राजनीति में धर्म एंटर क्यों करता है, घुसता क्यों है जी। आप चाणक्य से शुरू कीजिए, जो चाणक्य थे, चाणक्य को कोई भी उनके साथ में स्थिति ऐसी अगर ना आती जिसके कारण उन्हें राजनीति में आना पड़ा, तो वही वाली स्थिति कदाचित आज की भी आई है। और आज की स्थिति आने के बाद में कहीं ना कहीं, जब हम अपने धर्म की बात, जो एशियन सब कॉन्टिनेंट भारत में हम लोग रहते हैं, तो ये हिंदू और मुस्लिम धर्म या किसी धर्म, इससे को ये सनातन परंपरा है, यहाँ का सनातन धर्म है, इस धर्म का ना आदि है ना अंत है, तो ये सनातन वाली चीजें हैं। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली धर्म की बात करते हैं, धर्म एक डिसिप्लिन है, एक जीने का तरीका है। राजनीति के अंदर धर्म आए उसका हमेशा स्वागत होना चाहिए, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग धर्म के उपयोग की बात कर रहे हैं, आज धर्म का उपयोग नहीं हो रहा है, आज धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होते हैं तो वहां पर जो जाति अधिकतम है उनके धर्म स्थानों की तरफ राजनीति के चल पड़ते हैं, गुजरात में है तो वहां पर उस धर्म की तरफ चल पड़ते हैं। तो राजनीति के लोगों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि धर्म एक डिसिप्लिन, एक तरीका है, इसका दुरुपयोग ना करें जी। अच्छी छोटी सी बात एक और बता दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। रूपानी जी के लिए जब पूछ रहे थे, भामी साहब ने शुरू किया, उन्होंने दे दिया है कि विजय रूपानी साहब बनेंगे, आचार्य जी भी सहमत हैं और मल्लिका जी भी सहमत है, आप क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा इसमें सहमति और असहमति इसलिए नहीं जताना चाहूंगा कि राज आज्ञा और देव आज्ञा दो चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर ज्योतिष को दखल नहीं डालना चाहिए जी। तो अभी जब हम राज आज्ञा के माध्यम से देखें तो ये पूर्ण रूप से निर्णय
नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंड करता है कि बड़ा राजा एक छोटे प्रदेश के अंदर किस अमात्य को स्थापित करेगा। आपने प्रैक्टिकल बात भी कर दी है आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल बात भी कर दी है, किंतु सत्य है ये। थोड़ा समय दीजिएगा, उसके बाद जो क्लोज करिए। सर मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लिए जी, क्योंकि कांग्रेस से भी कांग्रेस भी हमारे देश आपने की तो उनकी उम्मीदें ही खत्म नहीं, कांग्रेस भी हमारे देश की पार्टी है जी, और राहुल जी भी हमारे हैं जी। मैं राहुल जी को एक जो ज्योतिषीय विश्लेषण देना चाहता हूं कि 25/9/2018 के बाद जो मौका मिला है उसे बाणी के माध्यम से खोएना जी। और दूसरी स्थिति यह है कि एक चीज और आप देख लेना, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि राहुल को लेके इतना विवाद कांग्रेस में होगा, इतना विवाद होगा कि कांग्रेस में अलगाव टकराव की स्थिति आने वाली है, आप देख लीजिएगा। चलिए वो तो देखेंगे, अभी शुरू करने दीजिए, आज तो पारी शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी को अभी आप उनको शुभकामनाएं दीजिए, कांग्रेस को शुभकामनाएं दीजिए, अभी नहीं किया जी तो निश्चित रूप से कांग्रेस टूट जाएगी जी। और चलिए राजनीति की बात बहुत हो गई, छोटी सी बात, एक छोटा बिल्कुल बिल्कुल वास्तविक प्रभाव है, मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कह के देख रहा हूँ जी, और मैंने इसका पोस्ट भी डाला है, मेरा एक है futureshdonline.com, ठीक है सर, इस पे मैंने बहुत बार इस चीज को लेके इसको देख लेंगे। वो आपकी बात वैसे ही बहुत सारे लोग बिना सुने भी वहां पे कांग्रेस में चला रहे हैं, लेकिन हम शुभकामनाएं चाहते हैं कि उनके लिए शुभकामनाएं हो। भामी साहब एक छोटी सी बात बिल्कुल एक लाइन में चाहता हूं, देश की बात भी कर लें, देश के लिए 2018 कैसा होगा, बहुत छोटा सा मुझे बता दें फिर हम खत्म करेंगे। देश के लिए 2018 बहुत अच्छा होगा और बहुत सारे रोजगार निकलेंगे, बहुत नई योजनाएं आएंगी जिससे देश का भला होगा, और लेकिन राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिलेगा जी। बलूनी साहब देखिए, चंद्रमा का वर्ष है 2018, 8, 2, 10 और 11 दोहरे सूर्य से चंद्रमा की स्थिति बनती है, जितनी भी काल्पनिक चीजें हैं ये अपने चरम पर होंगी, एक्सट्रीम पर होंगी। नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, मिडिल ईस्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ से जो डिस्टर्बेंस आएंगी ये भारत को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी, और उसके साथ ही साथ में जो राजनीति और अधिक कलुषित और नकारात्मक स्थिति में 2018 के अंदर जाने वाली। महाराज जी आपका क्या? मेरा ये कहना है कि चंद्रमा जो है मन से उदय, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन से ही मनुष्य बंधन का कारण बनता है और मन से ही मोक्ष का कारण बनता है जी। तो चंद्रमा जो है कल्पनाशील है, जो बलूनी साहब कह रहे हैं, जो कह रहे हैं आचार्य जी किसी आधार पर, बहुत छोटी सलाह जी। जी मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो आने वाला 2018 हमारे देश के लिए इतना विकास युक्त होगा कि आप लोग देखिएगा, निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी खबर आप बता रहे हैं, भगवान से कामना करते हैं कि हमारा देश अग्रसर रहे विकास की ओर, जैसे कि मोदी जी इसको विकास को गति दे रहे हैं, वो चीज बिल्कुल बनी रहे। आपके कार्ड क्या कहते हैं देश के लिए? जी देश के लिए ये कहते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स जो रहेंगे 2018 के वो काफी उथल पुथल रहेंगे, काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, बहुत कुछ दिखेगा जी। जैसे कि सब कुछ बदल सा गया, फाउंडेशन हिल गई है, लेकिन जो सेकेंड हाफ है 2018 का वो फिर बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, डॉक्टर भांबी आपका बहुत शुक्रिया, मल्लिका आपका बहुत शुक्रिया, बलूनी जी आपका बहुत शुक्रिया, आचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया, महामंडलेश्वर जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और देश के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, नए साल के लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर इतने विद्वानों के साथ जो हमें मौका मिला, हम चाहेंगे कि हम को ऐसे विद्वानों का मौका अगले साल भी और नए साल में भी मिलता रहे। आप हमारे साथ बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं।